अभी तक नाश्ता नहीं शुरू किया। नाश्ता कर लेना और याद से मेडिसिन टाइम पे ले लीजिएगा। तुमने नाश्ता कर लिया? नहीं, मैं स्कूल जाके करूंगी, मुझे लेट हो रहा है। तुम्हें मेरी वजह से कितना सफर करना पड़ रहा है, हमारी लाइफ क्या ऐसे ही गुजरेगी? जैसे गुजर रही है ऐसे ही गुजरेगी, बस आप फिक्र नहीं करें। जिंदगी में मैंने ऐसी कोई नेकी जरूर की है जिसके बदले में तुम जैसी बीवी मिली है, नहीं तो तुम्हें तो पता है बुरे वक्त में तो साया भी साथ छोड़ देता है। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा से सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन तुम भी अपना ख्याल जरूर रखा करो। आप भी अपना ख्याल रखिएगा और नाश्ता करने के बाद मेडिसिन जरूर ले लीजिएगा। मुझे देर हो रही है, मैं स्कूल जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? नहीं, वो एक्चुअली अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। मैंने अभी उनको फ़ोन किया, 15 मिनट में आ रहे हैं। और एक्चुअली क्यों उनके पास रह गई है? अरे तो आप हमारे घर चले ना, कब तक यहाँ खड़ी रहेंगी? नहीं, वो आ रहे हैं बस। तो आप उन्हें मैसेज कर दें कि आप हमारे घर हैं, आएंगे तो चले जाइएगा। नहीं, आपको बहुत जहमत हो जाएगी। अरे जहमत कैसी, आपका अपना ही घर है और वैसे भी पड़ोसियों के भी बड़े हकूक होते हैं, इसी बहाने हमारी गपशप भी हो जाएगी। चले चले। थैंक यू। खुशी हुई कि हमारे पड़ोस में भी कोई परमानेंट तो शिफ्ट हुआ, वरना तो यहाँ पे किराएदार रहते थे और मालिक मकान उसने किराएदारों को परेशान करके रख दिया था और हर आए दिन फ्लैट किराए के लिए खाली का बोर्ड लगा के चला जाता है। खैर, हमने तो घर परचेज किया था। जी, मेरे हस्बैंड ने बताया था। अच्छा, वो जो उस दिन भाई साहब खाना पूछने के लिए आए थे वो आपके हस्बैंड है? जी, मैं उस दिन उलझी हुई थी कामों में, वरना आती आपके पास। अक्सर सोचती हूँ कि चक्कर लगाऊं, लेकिन आप लोग के घर ताला लगा होता है और जब आप लोग घर होते हैं तो मैं बिजी होती हूँ। वैसे आप कहाँ से आ रही थी? जी, मैं स्कूल टीचर हूँ। ओह दैट्स गुड। आपके हस्बैंड कहीं दिखाई नहीं दे रहे? वो अपने रूम में है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो रेस्ट पर है। क्यों, क्या हुआ भाई साहब को? 2 माह पहले हार्ट अटैक हुआ था। सैड, इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक। पहले क्या करते थे भाई साहब? हमारी गारमेंट्स की फैक्ट्री थी। थी मतलब? उनके साथ चीट हुआ, काफी कर्ज चढ़ गया था तो फैक्ट्री सेल करनी पड़ी। खैर, मेरे हस्बैंड तो जदी पुश्ती रईस है, उनकी अपनी फैक्ट्रियां है, कारोबार है, वहां से पैसा आता रहता है। माशाल्लाह, काफी देर हो गई ना, आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। नो नो, अभी मैं घर जाऊंगी, चाइनीज राइस बनाऊंगी एंड देन मैं और सनी ये सालन रोटी नहीं खाता। सॉरी। पक्की बात? जी बिल्कुल पक्की बात। चले मैं जा रही हूँ, देर हो रही है। भाई साहब तो आई नहीं, आप बैठे ना, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। जूस लें? श्योर। सनी, पता है हमारे जो नेबर है काफी अमीर थे पहले। अच्छा, तो मतलब आपने यहाँ भी इंक्वायरियां शुरू कर दी। वैसे तुम्हें ना SIB में होना चाहिए था।
क्या कहती हो? मैं सोच रहा हूँ कि वो हमाद से बात करूँ। तुम जासूसी बहुत अच्छी कर लोगी, और इत्तेफाक से हमाद की ड्यूटी भी आजकल कराची में लगी हुई है। क्या मतलब? मैंने क्या जासूसी शुरू की है? वो खुद ही बता रही थी, बीवी बेचारी स्कूल में पढ़ाती है और मियाँ उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी काम काज के नहीं है। और पता है, मैं उनके घर में जब बैठी हुई थी तो कोई कर्जदार भी आया था, काफी बदतमीजी कर रहा था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप ये सारी बातें मुझे क्यों बता रही हैं? आपको नहीं बताऊंगी तो क्या मैं इन दीवारों को बताऊंगी? सही कहते हैं, शादी के बाद ना हर शौहर बदल जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे और मेरे दरमियान किसी और का जिक्र ना आए, सिर्फ अपनी कहो और मेरी सुनो, समझी स्वीट है? हाँ हाँ समझ गई। वैसे एक बात तो बताना भूल गई, नाराज तो नहीं होंगे ना? क्या? वो कल सुमैया ने हमें डिनर पे इनवाइट किया है तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा ड्रेस पहनूं। अच्छा तो ये प्रॉब्लम है, जो तुम्हारा दिल चाहे और जो तुम पहनना चाहो। वैसे तुम ना जो भी पहन लोगी तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा प्रॉमिस। वो रेड बनी लगा ना। आए आए आए। आइए बैठिए। अरे रियाज साहब, इतना सब तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी आपको? अरे तकल्लुफ की क्या बात हुई, आपका अपना घर ही तो है और आप घर थोड़ी हैं, अपने ही तो हैं। अच्छा बातें होती रहेंगी, खाना ठंडा हो रहा है, आप लोग खाना ले ना। आप भी तो नहीं? हाँ जी जी। भाभी बिरयानी तो बहुत मजे की बनाई है। क्या कब? ओह माय गॉड। बाकी सब खैरियत तो है ना? और अम्मी क्या हैदर भाई आप मेरी अम्मी से बात करवा सकते हैं? अच्छा चलें छोड़े रहने दें, मैं आकर मिल लेता हूँ। जी बस मैं आज ही आ रहा हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। क्या हो गया, सब खैरियत तो है? यार वो डैड को हार्ट अटैक हो गया है, हैदर भाई की कॉल थी। अच्छा तो आपकी बहनोई को अब आपकी याद आई है और अब आप जाएंगे भी? तो क्या करूं, ना जाऊं? हाँ मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप चले गए तो फिर मैं यहाँ पे अकेली हो जाऊंगी। और रही बात अगर आपके डैड को कुछ हो गया तो पूरा खानदान आपको कसूरवार ठहराएगा। बाप है वो मेरे, खून के रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं लेकिन खत्म नहीं होते। और रही बात तुम्हारी, मैं सुमैया और रियाज भाई को कह जाऊंगा, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, मुझे आज ही जाना होगा। ठीक है जैसी आपकी मर्जी। सनी ने मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था। मैंने तो उन्हें मना भी किया था मगर वो कभी किसी की सुनते कहाँ है। पता है ये पूरे 5 लाख का है। बहुत प्यार करते हैं सनी भाई तुमसे। तो क्या मतलब, मैं नहीं करती? अच्छा तुम ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें और ज्वेलरीज दिखाती हूँ, वो अंदर लॉकर में है, अभी लाई। अरे मेरी बात तो सुनो।
ये देखो और ज्वेलरी। अभी मुझे देर हो रही है, रियाज मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं बाद में देख लूंगी, मुझे रियाज को डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है। वैसे पूरे एक हफ्ता लगा दिया आने में। यार मैं वहाँ कोई ऑफिशियल मीटिंग के लिए तो नहीं गया था, मेरे फादर को हार्ट अटैक हुआ है। और मैं जो यहाँ अकेली हो गई थी। अच्छा पूरा एक हफ्ता अपनी फूफो के पास रहने के बावजूद तुम अकेली थी। आपके बिना गुजारा हुआ एक पल अकेले रहने के बराबर। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। अच्छा तो मैं बातें बना रही हूँ, जाए अब मैं आपसे बात नहीं करती। सॉरी। अच्छा नाराज तो मत हो तुम। अच्छा अभी घर जाएंगे ना, तो मैं कॉफी का एक अच्छा सा कप बना के अपनी बेगम को अपने हाथों से पिलाऊंगा। ओके स्माइल, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। वेलकम मैडम। आप ऐसा कीजिए कि रूम में जाकर फ्रेश हो जाइए और मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी बनाकर लाता हूँ। ओके ओके। क्या हो गया? ये देखें, ये सब क्या हो गया? सारी ज्वेलरीज भी गायब हो रही है सब। अच्छा, तुम रिलैक्स हो जाओ, परेशान मत हो, संभालो खुद को प्लीज। कैसे संभालू खुद को यार, ये देखिए कौन कर सकता है ये सब। मैंने कहा ना खुद को संभालो पहले, पता लग जाएगा किसने किया है सब कुछ। कैसे पता लगेगा? मैं हमाद को कॉल करता हूँ। अब ये हमाद कौन है? मेरा दोस्त, SIB ऑफिसर, तुम्हें बताया था मैंने। मगर सनी। अरे कम ऑन, मैंने कहा ना रिलैक्स हो जाओ, बैठो यहाँ पे, कुछ नहीं, वेट करो। हाँ हेलो हमाद, सनी बात कर रहा हूँ यार। भाभी अब परेशान मत हो, सनी सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं मेरे भाई जैसा है, और जिसने भी ये चोरी की है वो हमारी गिरफ्त से बच नहीं सकेगा। थैंक्स यार हमाद। भाभी आप कहाँ थी जिस वक्त ये चोरी हुई? मैं पिछले एक हफ्ते से अपनी पप्पू के घर में थी, और सनी के फादर को भी हार्ट अटैक हुआ था तो वो इस्लामाबाद में थे। आपको यहाँ शिफ्ट हुए कितना अरसा हुआ? 2 महीने। और आपके घर किसी का आना जाना? नहीं हम तो किसी को जानते ही नहीं है। हाँ हमारे पड़ोसी हैं, उनसे हमारा मिलना जुलना है बस। मैं फिर कहती हूँ ये काम उन दोनों का ही है। गलती हो गई मुझसे जो मैं उस लालची औरत को अपने घर ले आई। वो कैसी ललचाई हुई नजरों से मेरी ज्वेलरीज को देख रही थी। कैसी बातें कर रही हो रोजी तुम? किसी की नियत का क्या भरोसा, और वैसे भी वो लोग पिछले एक हफ्ते से अपने घर में नहीं है। क्या हो गया है तुम्हें यार, क्यों उन शरीफ लोगों पर इल्जाम लगा रही हो तुम? बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है उनका, ऐसे में किसी की भी नियत खराब हो सकती है यार। बस कर दो रोजी। सनी हो सकता है भाभी ठीक कह रही है, हम उनसे भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। मगर हमाद वो लोग तो अपने घर पे ही नहीं है यार। तो ठीक है आप उनके कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, हम अपने तरीके से उनसे इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। ठीक है। सच बता दो वरना हमें और भी दूसरे तरीके आते हैं। मैं स्कूल टीचर हूँ, चोर नहीं। हमने कोई चोरी नहीं की। चोर ऑर्डर पे तैयार नहीं होते, अगर नियत में खोट आ जाए तो अच्छे अच्छों के ईमान पलट जाते हैं। देखें मैं अपने हस्बैंड के चेकअप के लिए उन्हें हॉस्पिटल लेके गई थी, और वहाँ से मैं अपनी कजन के यहाँ चली गई और हम लोग वहीं रुक गए। ठीक है अगर आपको लगता है अगर चोरी हमने की है तो आप साबित कर दें,
इतनी अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। तो जब हमने कह दिया कि हमने चोरी नहीं की, आप क्यों नहीं मान रहे? हम कर्जदार जरूर हैं, वक्त की माने, लेकिन हम चोर नहीं हैं। हमें आपके फिंगरप्रिंट्स चाहिए होंगे। आपको हमारे जिस तामन की जरूरत है हम हाजिर हैं, लेकिन मैं अब भी कहता हूँ कि हम चोर नहीं हैं। क्या लगता है तुम्हें, ये लोग सच हैं? फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम हॉस्पिटल जाकर पता करो ये लोग वहां कब गए और कब आए। श्योर, मैं सारी डिटेल्स मालूम करवाता हूं। हमें वहाँ से कोई क्लू मिल जाए। ओके। इस रिकॉर्ड से तो ये बात साबित हो गई कि चौकीदार का ऐलान बिल्कुल ठीक था। उस दिन कोई आउटसाइडर नहीं आया था। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई और हो जो बज़ाहिर उनसे मिलता ना हो, लेकिन उसकी नजर उनकी एक्टिविटीज पर। अहम बात तो ये है कि फ्लैट की यूनियन और ऐशो का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ। हमाद वीडियो में शॉपर सुमैया के हाथ में है, जबकि रोजी कार में गई और सनी के साथ वापस आई। हमाद तुम एक काम करो, पूरे वीक की वीडियोस चेक करो, हो सकता है कि हमें कोई और क्लू भी मिल जाए। और हाँ, हमें रोजी और सनी के फिंगरप्रिंट्स भी लेना होंगे। क्या? वो मेरा दोस्त है, अगर वो चोरी करता तो मुझे कॉल क्यों करता? कानून के दायरे में कोई किसी का दोस्त नहीं होता हमारा। और रही बात कॉल की, तो कभी किसी एक मसले को दबाने के लिए कोई नया मसला उठाया जा सकता है। I understand। वाह भाई वाह, क्या खूब दोस्ती निभाई। मतलब चोरी भी हमारे घर से और चोर भी हम खुद बन गए। हमने आपको चोर नहीं कहा और ना ही बनाया, आप खुद बात को उलझा रही हैं। सनी, हमने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, वो दोनों हॉस्पिटल में ही मौजूद थे। और दूसरी अहम बात, किसी भी एंगल से ये बात साबित नहीं होती कि सुमैया और रियाज इस केस में मुलव्वस हैं। तो मतलब हम मुलव्वस? ग्रेट सनी, तो ये है आपके जिगरी दोस्त इंस्पेक्टर हमाद। हमाद, मुझे बहुत दुख हो रहा है। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी आप पर जुर्म साबित नहीं हुआ और ना ही हमने आपको अभी लॉकअप किया है जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। सनी, तुम मेरे साथ आओ। यार अमाद, मैंने तो गुनाह कर लिया कि तुझे कॉल कर ली मैंने। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं तुझे दोस्त की हैसियत से कुछ समझाना चाहता हूँ यार। देख ली मैंने तुम्हारी दोस्ती, ठीक है यार। तुम्हें पता नहीं था कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है? यार तेरा पता है, लेकिन रोजी भाभी का बैकग्राउंड तू जानता है ना? क्या मतलब है तेरा, मेरी बीवी चोर है? कूल डाउन यार सनी, कूल डाउन। रोजी भाभी का रिकॉर्ड तेरे घर में काम करने वाली एक मुलाजमा का था, तूने बाद में उनसे लव मैरिज कर ली। तो क्या गलत किया, एक गरीब लड़की से शादी करके क्या गलत किया मैंने? घर वालों से बगावत की। रही बात तेरे पड़ोसियों की, वो बेकसूर है। फिंगरप्रिंट हर एंगल से रोजी भाभी के ही हैं। जब तक फुल एंड फाइनल इंक्वायरी नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। यार तो चोर के अपने सबूत छोड़कर जाएगा, ग्लव्स पहनकर भी तो आ सकता है ना। और वो बोल रही है कि जब वो कमरे में एंटर हुई तो अलमारी ऑलरेडी खुली हुई थी, अब उसने जब कपड़ों को छुआ होगा तो फिंगरप्रिंट्स तो आए होंगे।
इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो चोर है। हो सकता तुमसे झूठ बोला गया हो, चोरी एक हफ्ते पहले हो गई हो, अलमारी खुली छोड़ दी गई हो, सामान बिखेर दे गया हो। यार सोचने वाली बात यह है कि भाभी ने झूठ बोला तो क्यों? अगर ये मामला घर का ना होता तो मैं दो मिनट में उगलवा लेता। मेरा दिमाग घूम रहा है हमाद, प्लीज कम टू द पॉइंट। हमें रोजी भाभी के कॉल रिकॉर्ड निकलवाने होंगे, फिर ही साबित हो सकता है कि कौन सही है और कौन गलत। आई एम टोटली स्पीचलेस। डू व्हाट एवर यू वांट टू डू सनी, ट्रस्ट मी ब्रो, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। अस्सलाम वालेकुम, सलीम साहब बात कर रहे हैं? जी हाँ। मैं सनी की वाइफ बात कर रही हूँ। जी बोले। दरअसल बात यह है कि मैं अपनी ज्वेलरी बेचना चाहती हूँ। तो आप हमारी शॉप पर आ जाएं। दरअसल ये ज्वेलरी है तो मेरी, मगर मेरे हस्बैंड मुझे इसे बेचने नहीं देंगे। मगर प्लीज मना मत कीजिएगा, मेरे फादर की तबीयत बहुत खराब है और वो कभी मेरे हस्बैंड से इलाज के लिए पैसे नहीं मांगेंगे, इसीलिए मैं अपनी ज्वेलरी आपको सेल करना चाहती हूँ। जी हम्मा। ज़ारा पहली बार ऐसा हो रहा है कि केस सॉल्व करने के बाद भी मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही, बल्कि घबराहट हो रही है। क्या करें हम्मा, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती। पुराना डायलॉग है। तुम टेंशन नहीं लो, मैं डील कर लूंगी, तुम सनी और रोजी को बुलवाओ। श्योर। यही तो है मिस रोजी जिन्होंने हमसे ज्वेलरी खरीदी थी, जो कि इनके शौहर के नाम से खरीदी गई थी। रसीदें मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, तो शक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। जी तो मिस रोजी, ये इतना वजह मुझ पर शक कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। शक करना हमारी आदत है और सबूत के साथ बात करना हमारी फितरत, क्योंकि हम SIB हैं। हमाद, ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। इस फाइल में सोनार को की गई कॉल्स और फैसलाबाद की गई कॉल्स का रिकॉर्ड मौजूद है। इन्होंने जेवर सोनार को बेचा, फिंगरप्रिंट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, दिए गए झूठे बयानात, बैंक में 10 लाख आना और फिर फैसलाबाद ट्रांसफर करवाना, ये सब के रिकॉर्ड मौजूद हैं। अब तुम पूछोगे या हम उगलवाएं? तुमने जेवर बेच दिया और इल्जाम उन फरिश्ता सिर्फ इंसानों पर लगा दिया तुमने। कैसे किया तुमने ये सब कुछ, बोलो। मैं लालच में आ गई थी, भूल गई थी कि मैं अपना घर खुद बर्बाद कर रही हूँ चंद पैसों की खातिर। उस दिन जब सफिया घर आई तो एक तो तुम जब भी आती हो हवा के घोड़े पे सवार रहती हो। क्या करूं, प्रयास की तबीयत का तो तुम्हें पता है, कब हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाए। हाँ वैसे ये तो तुम ठीक कह रही हो। अच्छा मैं तुम्हें ये बताने आई थी, मैं रियाज को लेके चेकअप के लिए हॉस्पिटल जा रही हूँ और वहाँ से मैं अपनी कज़न के यहाँ जाऊँगी, एक हफ्ते के लिए वहीं रुकेंगे। चलो ठीक है, गुड लक। मैंने सोचा यह मौका अच्छा है, मुझ पर किसी का शक नहीं जाएगा। मेरे ही दोस्त के सामने मेरा सर शर्म से झुका दिया है तुमने। कितनी ज्वेलरी चाहिए थी तुम्हें? मुझे बता देती मैं ला कर देता तुम्हें। ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैंने अपना घर, खानदान, अपना सब कुछ तुम्हारी खातिर छोड़ दिया और तुम कितनी खुदगर्ज औरत हो तुम। ठीक कहती थी अम्मी, शाम को चाहे जितना मर्जी दूध पिला लो ना, वो कभी भी अपने डसने की आदत नहीं बदल सकता। तुमने मेरा एतमाद तोड़ा है। I hate you रोजी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हमाद, इसको वही सजा देना जो एक मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। सनी, तलाक के कागजात तुम्हें जेल के अंदर ही मिल जाएंगे। सनी, मेरी बात सुन ले। सनी, आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दे।
तुमने जो घड़ा दूसरों के लिए खोदा था उसमें तुम खुद ही गिर गए। और जहां तक बात रही माफ करने की, तो उसका फैसला अदालत करेगी, हम नहीं। ATV, सारे रंग हमारे।